आसिफ जी नमस्कार। ये कॉटन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉटन हालांकि पिकनिक पर नहीं है, बट काफ़ी हद तक जो प्रिंसिपल्स हैं इसके, ये पिकनिक से मैच करते हैं। इसके अंदर जो है कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ होगा, और लास्ट 5 ईयर से जो रेजिड्यू है क्रॉप का, जितना भी फसल अवशेष है, वो सारा हम इस भूमि में मिला रहे हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आज मेरे को देखने को मिला, जबकि हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाई का और जस्टिड्स का अटैक है। इसमें हम देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत नाम मात्र जो है इसके अंदर पेस्ट है, और कोई भी जो है ना इसके अंदर हमारे को अभी तक ऐसा कोई जस्टिड नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई है और डेट इज़ इन कंट्रोल, डेट इज़ बिलो ETL। और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हालांकि ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो अब इन सब बातों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप बताते हैं हमेशा कि पिकनिक के अंदर किसी पेस्ट का अटैक नहीं होगा, तो अभी तो ये एक ही स्टेप हमने लिया है। अगर हम पूरा इसको पिकनिक पे करते हैं तो कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो ये एक अपने आप में कहने वाली बात है। तो मैं आपका इस मामले में बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि किस बढ़िया मैटर को आप लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब आप फैला रहे हैं, और दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट।